हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। नीट यूजी 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर स्टूडेंट्स काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। देन इसी के रिगार्डिंग एक अपडेट आया है न्यूज़पेपर में, द इंडियन एक्सप्रेस में। उसी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको ये पता लगेगा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब तक रिलीज होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या पता लगेगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। होपफुली इसके बारे में तो आपको पहले से ही पता होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और आपकी फीस क्या रहने वाली है, तो पूरा डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं आज की इस न्यूज पर। तो सबसे पहले द इकोनॉमिक्स टाइम्स की ये न्यूज है, यहाँ पर डेट भी लिखी होगी, 28 फरवरी की है, शाम 3:28 पर। इन्होंने बोला है नीट यूजी 2023, रजिस्ट्रेशन फॉर नीट एग्जाम टू बिगिन टुमारो, चेक फॉर मोर डिटेल्स। बिगिन टुमारो का मतलब है 1 मार्च, यानी कि आज आज से नीट यूजी 2023 के जो रजिस्ट्रेशन है इनके अकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन एनटीए की वेबसाइट पर ऐसा कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया है, लेकिन इन्होंने कुछ बोला है, इतना बड़ा न्यूज़पेपर है तो कोई ना कोई कारण ही होगा। हो सकता है आज दोपहर तक या फिर आज शाम तक हमें एनटीए की वेबसाइट पर अपडेट मिल जाए। बाकी डिटेल में पढ़ते हैं इनका क्या कहना है। इसके बाद इनका कहना है कि नीट हैज अनाउंस द शेड्यूल फॉर अपकमिंग नीट यूजी 2023। द एग्जाम इज ऑल सेट टू टेक प्लेस ऑन 7 मई 2023 एंड दोज इंटरेस्टेड इन अप्लाई फॉर द सेम कैन डू सो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। द रजिस्ट्रेशन लिंक विल बी ओपन फ्रॉम टुमारो 1 मार्च। तो आपको वेबसाइट तो विजिट मत कीजिएगा, ऑलरेडी मैं चेक कर चुका हूँ, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन इनका बोलना है कि आपके रजिस्ट्रेशन आज यानी कि 1 मार्च से कंटिन्यू हो जाएंगे। हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एनटीए की तरफ से अभी कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग नहीं आया है। इसके अलावा कैसे अप्लाई करना है आपको, इस पूरे के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो दे दूंगा, फिर भी आप इसको पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो अपनी संतुष्टि के लिए। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन होता है, इस पूरी डिटेल पर मैं आपको एक लाइव वीडियो दे दूंगा एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके, ताकि आप कोई भी गलती ना करें। क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज 17 साल है और अपर एज लिमिट अभी भी कोई भी नहीं है, ठीक है। इंटरमीडिएट अपेयरिंग और पास्ट यानी कि 12th आप पास होने चाहिए, साइंस स्ट्रीम के साथ विद बायोलॉजी एज ए मेन सब्जेक्ट, ठीक है। ओपन कैटेगरी के लिए आपके पास इंटरमीडिएट में 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और रिजर्व कैटेगरीज के लिए आपके पास 40% मार्क्स जो है वो इंटरमीडिएट में होने चाहिए। अब एप्लीकेशन फीस की बात करें तो पिछले साल के अकॉर्डिंग 1600 रुपये जनरल के, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1500 रुपये और बाकी जो कैटेगरीज बच जाती हैं उनके लिए 900 रुपये फीस जो है वो रहती है पिछले साल के अकॉर्डिंग। हो सकता है इस साल फीस बढ़ा दी जाए, लेकिन अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर यही फीस जो है वो आपकी थी। सो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, सोचा आप सभी के साथ शेयर की जाए। होपफुली वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। इसके रिगार्डिंग जो भी आपके कमेंट्स हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके रिव्यूज हैं एंड व्यूज हैं। बाकी मेडिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग और मेनली नीट के रिगार्डिंग आपकी जो भी डिटेल्स आएंगी, इन्फॉर्मेशन आएंगी, उसकी वीडियोस आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च कीजिएगा स्टडी स्किल सक्सेस, वहां पर भी आपको डिटेल्स जो है वो मिलती रहेगी। सो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।